वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज काशिफ अनीस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली का कॉल है कि खुशनसीब आदमी इस दुनिया में वो है जिसका एक मुखलिस दोस्त हो। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मुखलिस अल्लाह ताला ने किए हुए हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ उनमें से एक ये भी हैं, ये मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। इन्होंने अभी एक मुझे एक फ़नी एक चीज़ बता रहे थे तो मुझे हंसी आई, तो मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करें। यार फनी से पहले तो दोस्त के ऊपर जो आपने बात की तो ऊपर एक शेर याद आया मुझे। मैंने देखा है बहारों को चमन में जलते हुए, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। यूँ तो मिलते हैं हाथ रोज़ हज़ारों से, यूँ तो मिलते हैं हाथ रोज़ हज़ारों से, लेकिन हर दोस्त नहीं हो गया हाथों का। बिल्कुल सही बात है, बात तो बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बात है। आधा ही दूसरा है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हो, बिल्कुल। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए तरह तरह के हालात और मामलात हैं, आपको जो है सपोर्ट से कहना, आपका कोई दोस्त करीब ही बहुत ज़्यादा मुखलिस जैसे आपके पास, वो ही आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। और इस तरीके की गैदरिंग से आप अपना जो है, मैं समझता हूँ कि कम से कम उस परेशानी से नहीं थी तो उन हालातों से तो आहिस्ता आहिस्ता निकल आते हैं, क्योंकि मेंटली आप जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। और ये ज़िंदगी में सारे मामला जिस तरह से जरूरी, उसी तरीके से ये भी जरूरी कि इंसान जो है अपने आप को हेल्दी फ्रेश करने के लिए गैदरिंग और दोस्ती यारी आउटिंग तरह तरह की जो एक्टिविटीज जिस किस्म की पसंद करता है वो तरह की होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, होना चाहिए। आप काम के साथ ऐसे ही एक दफ़ा मैं परेशान था और जो है मैं अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठ गया जिसमें जो है मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली थी और वो अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और जो है हम बैठे थे, बातचीत चल रही, वो मुझसे पूछ रहे परेशान है परेशान है, मैंने कुछ नहीं कोई परेशान नहीं था, बातचीत चलती चल रही, मेरे दोस्त ने बता दिया मैं समझ कहते हैं कि मेरी शादी में वाली उससे बताओ कि मुझे क्या तोहफा दो। तो मैंने कहा क्या तोहफा चाहिए यार, कहने लगे कि यार जो मुझे ना वर्ल्ड टूर ट्रिप प्लान करके दो ना, मुझे वो चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि यार उसके लिए तो मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भाई जो है वो चर्च पीता है। मैंने बोला वो एक रॉकेट तैयार करके देगा, एक ही रात में तुम दोनों मियाँ जो घूम के आ जाना। ये मुझे बहुत हंसी आई, मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक मैं एक चीज़ ना, अभी मैं पिछले दिनों मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें एक बंदा बोलता है कि आपसे एक मशवरा लेना है मैंने कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कनाडा, अमेरिका, लंदन, या मतलब कहीं पे भी यूरोप या कहीं पे भी दुनिया में। एंड में वो बोलता है कि यार मैं चला तो जाऊँ लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। तो वो एक्चुअली मैंने इनको सुनाया था, तो उसके बदले मुझे इन्होंने ये एक सीन सुनाया कि ये एक ओरिजिनल है। तो ऐसा खैर होना चाहिए कभी कभी कि हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं, हर बंदा काम में फंसा हुआ है, मेंटली जो है ना बहुत हम लोग फेडअप हो गए, तो कहीं ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए। दोस्त वही बात है कि मुखलिस, और आप उस गैदरिंग में बैठे। मैंने अपना क्राइटेरिया हमेशा ऐसा रखा है, ऑलमोस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माइंड डेवलप, मतलब जहाँ से आपको काम की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इसके साथ बैठूँ, क्योंकि कहीं मैं जब डीमोटिवेट हो रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग अलग हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली इसके साथ बैठता हूँ तो मुझे मोटिवेशन। मैंने जो दो वीडियो आज बनाई है वो सिर्फ इसी की वजह से बनाई है, इसके बोलने पर बनाई है कि व्लॉग्स का। एक मेरा कज़न आज मुझे मिला था, उसने भी मुझे बोला, फिर मेरा ये मेरा दोस्त ये राहिल मेरा छोटा भाई, इसने भी मुझे बोला कि सारी दुनिया व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग में ये, तो आप भी स्टार्ट करें। मोटिवेशनल होना चाहिए इंसान को, डीमोटिवेशनल, जहाँ डीमोटिवेशन आपको हो रही हो मैं तो ये बोलूँगा कि आप वो गैदरिंग छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर। यार लेकिन गैदरिंग तो आप अपने मर्जी से चूज करते हैं, गैदरिंग भी तीन तरह की बात करते हैं, तीन तरह की बोलने नहीं देगा लेकिन आप सुन नहीं सकते। तीन तरीके की गैदरिंग होती है जिसमें सी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महज मजाक और टाइम को वेस्ट करने के लिए गैदरिंग करते हैं। बी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो करते हैं दूसरों की ज़िंदगी के बारे में डिस्कशन। सी और ए कैटेगरी के जो लोग होते हैं
वो करते हैं अपने गोल्स के बारे में, अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैटेगरी चूज़ करते हो। तो बेहतर ये होता है कि आप एक कैटेगरी चूज़ करो ताकि ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ सको, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। मौत को तो लोग यूँ ही बदनाम करते हैं, असल वक्त ज़िंदगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी में और भी दुख हैं जी, और भी दुख हैं ज़माने में, और भी दुख हैं ज़माने में, राहत है और भी है बस लेकिन मुझे शेर याद आया इनका एक, और ये पोइट्री करते हैं, शायर है माशाल्लाह से, इनकी शादी होने वाली है और ये माशाल्लाह से हम इनको, मैं भी इनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि शादी के बाद में इंसान की ज़िंदगी जो है ना नसीब बदलता है, शादी इंसान को करनी चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि शादी जो है वो इंसान की मैक्स जो है ना वो 24 साल की उम्र में हो जाए, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो है स्टेबल हो जाओ फिर शादी होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तू निकाह कर मैं तुझे स्टेबल करता हूँ। तो मैं अक्सर मेरी इससे बात होती रहती है, तो हर इंसान ही ज़्यादातर मेजॉरिटी में यही लड़के करते हैं कि यार मैं स्टेबल हो जाऊँ फिर कर लूँ। भाई निकाह करोगे तो ऑटोमेटिकली नसीब बदलेगा, आने वाला अपना नसीब खुद लेकर आएगा। औरत के नसीब में पैसा, मर्द के नसीब में औलाद, ये तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा और हमने तो बचपन से यही सुना। मैं फिर बोलूँगा ये मेरा अपना, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, मैंने जो सुना वो आपसे डिस्कस कर दिया। इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ या मेरी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आप यहाँ से लेके कुछ गलत है या कुछ भी। जी थैंक यू वेरी मच, सही है। एक्चुअली मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि ये यूट्यूब जो है, ये टिकटॉकर है एक्चुअली, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करें। तो इससे ये है कि इंसान का एक मेंटली, और यूट्यूब का एक और फ़ायदा भी है जो मैंने देखा है, जब भी आप परेशान हो रहे हो ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं, जब भी आप परेशान हो ना आप अगर यूट्यूब किसी काम में लग जाएंगे, किसी ऐसे काम में आप माइंड डाइवर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं बेसिकली यूट्यूब इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं और भी दुनिया, मैं यूट्यूब में आया हूँ तो मुझे दुनिया और भी, मैं बहुत सारी चीज़ें जान रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की पता चल रही है कि दुनिया में कौन कौन सी चीज़ जो कि हमको नहीं पता। अब जब मैं यूट्यूब के जितने जितने अंदर जाता जा रहा हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि दुनिया कहाँ कहाँ से कमा रही है, हमें तो पता ही नहीं है कि एक लैपटॉप पर बैठ के दुनिया लाखों रुपये कमा रही है। तो भाई मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मायूसी नहीं, इससे पहला मेरा वीडियो था मायूसी पे, मायूसी नहीं बिल्कुल भी। अल्लाह ताला ने दो हाथ है, सब कुछ दिया हुआ है, सुनने की सलाहियत दी हुई है, चेहरा दिया हुआ है, बोलने की सलाहियत है, आंखें दी हुई है अल्लाह ताला ने, सब कुछ दिया हुआ है, अल्लाह के पास ही जाना है। बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, अपने अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।